आतरफ केस के बहाने दंगों की बड़ी साजिश का खुलासा। मोदी योगी को बदनाम करने के लिए रची गई साजिश, यूपी सरकार की जांच एजेंसियों का दावा। सरकार की जांच एजेंसियों के मुताबिक दंगे भड़काने के लिए रातों रात बनाई गई वेबसाइट, वेबसाइट के तारे इंटरनेशनल एनजीओ से जुड़े होने का दावा। साजिश के लिए इस्लामिक देशों से हुई फंडिंग, वेबसाइट के जरिए मदद के बहाने दंगों के लिए की गई फंडिंग। वेबसाइट पर दंगों के बाद बचने के तरीकों का जिक्र, विरोध प्रदर्शन की आड़ में दंगे कराने की साजिश। सुरक्षा एजेंसियों के एक्शन में आते ही बंद हुई वेबसाइट, एजेंसियों के पास मौजूद है वेबसाइट का सारा कंटेंट। आतरफ को लेकर वेबसाइट पर दी गई आपत्तिजनक जानकारियां। योगी सरकार की सख्ती से कोशिश नाकाम, अमेरिका की तर्ज पर होने थे देश में दंगे, साजिश के पीछे पीएफआई, एसडीपीआई और माफिया की मिली भगत। हाथरस मामले में सियासत को लेकर विरोधियों पर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा दंगा भड़काना चाहता है विपक्ष। सीएम योगी ने कहा जिन्हें विकास अच्छा नहीं लग रहा वो जाती है और सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश रच रहे हैं। यूपी में दंगा फैलाने, अफवाहों और फर्जी सूचनाओं के जरिए अशांति पैदा करने की साजिश का खुलासा, साइबर सेल ने लखनऊ में दर्ज की एफआईआर। आतरफ मामले को लेकर कांग्रेस का आंदोलन जारी, मुंबई के बाद दिल्ली के राजघाट पर सत्याग्रह करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता, जयपुर में भी मौन प्रदर्शन। आतरफ में गैंगरेप पीड़िता का गांव बना जंग का मैदान, विपक्षी पार्टियों ने जमकर किया हंगामा। पीड़ित के गांव के बाहर एसपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़कर गांव में घुसने की कोशिश, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की पत्थरबाजी, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। हाथरस में आरएलटी कार्यकर्ताओं ने भी किया हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जयंत चौधरी को आरएलटी कार्यकर्ताओं ने घेरा बनाकर पुलिस की लाठियों से बचाया, पीड़ित परिवार से मिले जयंत चौधरी। जयंत चौधरी के ऊपर लाठीचार्ज की प्रियंका गांधी ने की आलोचना, योगी सरकार को बताया अहंकारी और अराजक। पीड़ित परिवार से मिलने भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर भी पहुंचे, पीड़ित परिवार के लिए मांगे वाई कैटेगरी की सुरक्षा। चंद्रशेखर ने कहा पीड़ित परिवार गांव में सुरक्षित नहीं, परिवार को मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूं। भीम आर्मी चीफ ने दी चेतावनी, कहा अगर मेरी मांग नहीं मानी गई तो विधानसभा का घेराव करेंगे। चंद्रशेखर ने कहा पीड़ित परिवार चैन से नहीं सोएगा तो मुख्यमंत्री को भी सोने नहीं देंगे। आतरफ में हंगामे पर बोले एसडीएम, कहा एसपी और आरएलजी के केवल 5 लोगों को जाने की दी थी इजाजत। एसडीएम ने कहा अचानक एसपी और आरएलजी के कार्यकर्ता महिला अधिकारियों के साथ बदसलूकी करने लगे, बैरिकेड तोड़े और पत्थरबाजी की। एसडीएम ने कहा सीओ को चोट लगने के बाद भीड़ को हटाने के लिए हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी जमकर धज्जियां, पुलिस की मौजूदगी के बावजूद नियमों की अनदेखी की गई। हाथरस में एसआईटी की टीम ने पीड़िता के पिता का दर्ज किया बयान, करीब 4 घंटे की पूछताछ। पीड़ित परिवार के दूसरे सदस्यों से भी पूछताछ, एसआईटी ने कहा जरूरत पड़ी तो फिर करेंगे पूछताछ। पीड़िता के पिता ने इंडिया टीवी से की बात, कहा सीबीआई हो या कोई भी जांच एजेंसी हो न्याय मिलना चाहिए। पीड़िता के पिता ने कहा एसआईटी को सारी घटना बताए, कहा हमने किसी पर गलत आरोप नहीं लगाए। पीड़िता के पिता का स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप, कहा हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। बलरामपुर में पीड़ित परिवार से अवनीश अवस्थी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार मिले। बलरामपुर गैंगरेप की घटना पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा बयान, कहा आरोपियों पर एनएसए लगा सकता है प्रशासन। प्रशांत कुमार ने कहा फॉरेंसिक रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं, प्रशासन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगा, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के प्रतापगढ़ में 7 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोपी गिरफ्तार, 22 सितंबर को हुई वारदात। एमपी के बैरागढ़ में एक महिला ने परिचित पर लगाया रेप का आरोप, आरोपी समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया। ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती समेत 5 आरोपियों की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला, 29 सितंबर को फैसला रखा था सुरक्षित। सुशांत केस में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने की मांग, रिया चक्रवर्ती को रिहा किया जाए। सुशांत के वकील ने एम्स की रिपोर्ट पर उठाए सवाल, सीबीआई से नई फॉरेंसिक टीम गठित करने की करेंगे मांग। सुशांत केस में एम्स की रिपोर्ट पर सवाल खड़े करने पर बोले संजय राउत, कहा जिन्हें सीबीआई पर भरोसा नहीं उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण। इस हफ्ते कुछ बड़ी बॉलीवुड हस्तियों को सुमन भेज सकती है एनसीबी, गिरफ्तार ड्रग्स पेडलर से पूछताछ में सामने आए कई नाम। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया, पेशे से बॉलीवुड में मेकअप आर्टिस्ट और हेयर ड्रेसर है, 105 ग्राम एमडी ड्रग्स भी बरामद हुआ। आरोपी पिछले 1 दशक से इंडस्ट्री में सक्रिय है, पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त कर फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए भेजा। चुनाव से पहले लालू परिवार की बड़ी मुश्किल, पूर्णिया में पूर्व आरजेडी नेता की हत्या मामले में तेजस्वी तेज प्रताप समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आरजेडी के एससीएसटी प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश सचिव थे मृतक शक्ति मलिक, कुछ दिन पहले वीडियो आया था सामने, टिकट के बदले 50 लाख मांगने और हत्या की धमकी मिलने का आरोप लगाया था। बिहार चुनाव पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर अहम बैठक, सुशील मोदी, भूपेंद्र यादव समेत कई बड़े नेता मौजूद। बिहार चुनाव को लेकर आज जारी होगी बीजेपी की पहली लिस्ट, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर हुई चर्चा, बैठक में पीएम मोदी भी हुए शामिल। जेडीयू के साथ कुछ सीटों की अदला बदली पर बीजेपी की बातचीत जारी, पार्टी का प्रस्ताव।
नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी लोक जनशक्ति पार्टी। संसदीय बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला। एलजेपी ने जेडीयू के साथ कई मुद्दों पर वैचारिक मतभेद के बाद छोड़ा गठबंधन। जेडीयू से अलग चुनाव लड़ेगी एलजेपी। कई सीटों पर जेडीयू के खिलाफ एलजेपी ने कैंडिडेट उतारने के दिए संकेत, लेकिन बीजेपी के साथ खड़ी रहेगी। एलजेपी ने कहा, चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में बनाएंगे सरकार। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को करेंगे लागू। जेडीयू ने एलजेपी से किया सवाल, वैचारिक मतभेद था तो लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में क्यों लड़े? जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा, बीजेपी के साथ हमारा टूट गठबंधन, नीतीश कुमार की क्षमता पर बीजेपी को पूरा भरोसा। बिहार में सीटों का समीकरण बदला, अब जेडीयू 122 और बीजेपी 121 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। एनडीए के साथ जीतन राम मांझी की पार्टी भी शामिल। जेडीयू को दी गई 122 सीटों में मांझी के हिस्से की सीट भी शामिल। मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी की भी बीजेपी से बातचीत जारी। महागठबंधन से अलग होने पर बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की आज सोनिया गांधी के घर बैठक। कुछ उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मुहर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीपीएम ने चार उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। अजय कुमार विभूतिपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। राजेंद्र प्रसाद, राजमंगल प्रसाद और सत्येंद्र यादव को भी चुनाव में उतारा जाएगा। पीएम मोदी आज द रिस्पॉन्सिबल ऑल फॉर सोसाइटी एम्पावरमेंट समिट को करेंगे संबोधित। पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। वर्चुअल समिट में दुनिया भर के टेक लीडर्स होने वाले हैं शामिल। आज 42वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वर्चुअल मीट में अनुराग ठाकुर और राज्यों के वित्त मंत्री और अधिकारी रहेंगे शामिल। पंजाब में कांग्रेस ने निकाली ट्रैक्टर रैली। लुधियाना में राहुल गांधी के साथ सीएम अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू भी हुए शामिल। राहुल गांधी ने कहा, किसानों के साथ खड़े हैं, एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा यह मोदी सरकार नहीं अंबानी और अडानी की सरकार है। कृषि कानून के विरोध में हरियाणा में भी रैली कर सकते हैं राहुल गांधी। सीएम खट्टर ने कहा, राज्य में किसी को भी हाथ में नहीं लेने देंगे कानून। कृषि कानून के विरोध में रैली करने पर केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन का निशाना। राहुल की रैली को बताया पब्लिसिटी स्टंट। राहुल की ट्रैक्टर रैली के जवाब में बीजेपी करेगी ट्रैक्टर पूजा। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कृषि कानून पर करेगी चर्चा। कृषि कानून के खिलाफ अमृतसर में अन्नदाताओं का बेमियादी आंदोलन जारी। किसान मजदूर संगठन का रेल ट्रैक पर प्रदर्शन। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार के 15 ठिकानों पर सीबीआई की रेड। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के 924 परगना में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हत्या। हमलावरों ने टीटागढ़ में पुलिस स्टेशन के पास मारी गोली। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने हत्या की सीबीआई जांच की मांग की। राज्य बीजेपी ने आज बैरकपुर बंद बुलाया। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को आज किया तलब। कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात पर तलब किया गया। देश का कोरोना ग्राफ 66 लाख के पार। एक दिन में 74,442 नए पॉजिटिव मामले। कोरोना से एक दिन में फिर 1,000 से कम मौत। 24 घंटे में 903 लोगों ने तोड़ा दम। देश में 24 घंटे में 76,713 लोग हुए कोरोना से रिकवर। अब तक 55,86,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। देश में WHO के अनुमान से रोजाना कोरोना के ज्यादा टेस्ट। हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा, कई राज्यों में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार। जुलाई 2021 तक 20 से 25 करोड़ लोगों को लगाया जा सकता है कोरोना का टीका। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों से मांगी डिटेल। दिल्ली में 24 घंटे में 2,683 नए कोरोना के केस। 38 लोगों की मौत। कोरोना रिकवरी के मामले में दिल्ली का एलएनजेपी अस्पताल सबसे ऊपर। मार्च से अब तक करीब 8,000 मरीज डिस्चार्ज। 13 अक्टूबर से श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर। शाम 5 से 6:30 बजे तक कोरोना गाइडलाइंस के तहत एंट्री। महाराष्ट्र में एक दिन में 13,702 लोग कोरोना संक्रमित, जबकि 15,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। 24 घंटे में 326 लोगों की गई जान। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 144 पुलिसकर्मियों का हुआ कोरोना। राज्य में अब तक 24,000 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र में आज से होटल, रेस्टोरेंट और बार ओपन। कोविड SOP का पालन करते हुए ग्राहकों को एंट्री मिलेगी। यूपी में कोरोना से 24 घंटे में 5,222 लोग रिकवर। राज्य में 46,385 एक्टिव केस। 6,029 लोगों की जान गई। राजस्थान में कोरोना के 2,184 नए केस। आज 15 लोगों ने दम तोड़ा। राज्य में 1,44,000 कोरोना के केस। पश्चिम बंगाल में कोरोना से और 3,357 लोग संक्रमित। 62 लोगों की मौत। कर्नाटक में एक हफ्ते में तीसरी बार 10,000 से ज्यादा केस। आसाम में 24 घंटे में फिर 67 लोगों की मौत। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 8,553 लोग संक्रमित। राज्य में 84,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। तमिलनाडु में 5,489 नए कोरोना मरीज मिले। 66 की गई जान। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना से 6,000 से ज्यादा संक्रमित। 40 की जान गई। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 19,70,000 लोग विदेशों से लाए गए। भारत नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी का बयान।
कर्नाटक में कोरोना काल में बुजुर्गों की मदद के लिए आ गया आईसीएमसी संगठन स्पेशल केयर सेंटर में बुजुर्गों की देखभाल। दुनिया भर में अब तक 3,53,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए, 10,40,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आज अस्पताल से मिल सकती है छुट्टी, रविवार को कुछ देर के लिए अस्पताल से आए बाहर समर्थकों ने किया अभिवादन। अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोगों ने की राष्ट्रपति ट्रंप के स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना, विधिवत किया मंत्रोच्चार। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबियों पर प्रशासन की कार्रवाई, राजेश सिंह की 60,00,000 की संपत्ति कुर्क। प्रयागराज में नंदगोपाल नंदी पर हमले के आरोपी दलित मिश्रा के अवैध निर्माण को गिराने पहुंची प्रशासन की टीम, भारी तादाद में पुलिस बल रहा मौजूद। दिल्ली से सटे दादरी में शराब तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, तस्कर को लगी गोली, 50,00,000 की अवैध शराब जब्त। नोएडा में पुलिस और तस्करों के बीच एनकाउंटर, गोली लगने से 2 घायल, पुलिस ने 45,00,000 का गांजा जब्त किया। हैदराबाद में पान मसाला कारोबारी के ठिकानों पर रेड, गोदाम से करीब 10,00,000 रुपए की कीमत की बैन, गुटखा और विदेशी सिगरेट जब्त। मध्य प्रदेश में महिला चोर गिरोह का भंडाफोड़, इंदौर पुलिस ने 11 महिलाओं को गिरफ्तार किया। कानपुर में एक पेंट की फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, आग लगने की वजहों का फिलहाल खुलासा नहीं।